हे गाइस, हेडफोन व्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, एम्ब्रेन वेव ने वायरलेस निक बैंड को कुछ समय पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। ये डिवाइस देखने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही फीचर के मामले में भी खास है। इंडिया में इसे 1999 रुपए की कीमत के साथ पेश किया गया है और इसमें एक साल की वारंटी भी दी जा रही है। खास बात ये है कि ये गूगल असिस्टेंट और सीरी को सपोर्ट करता है, जो कि यूजर के एक्सपीरियंस को और भी बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एम्ब्रेन वेव वायरलेस निक बैंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं हेडफोन व्यू। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रेन वेव वायरलेस निक बैंड के डिजाइन की। एम्ब्रेन वेव वायरलेस निक बैंड डिजाइन के मामले में बेहद ही खूबसूरत और आरामदायक है। इसमें यू कॉल डिजाइन का यूज किया गया है, यानी जब आप इसे यूज करेंगे तो बैक साइड में आपके पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई निक बैंड लगा रखा है। इसके बड्स बेहद ही कंफर्टेबल है और साइज में छोटे हैं, जो कि आराम से कानों के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छी बात यह कि ये काफी देर तक यूज करने के बाद भी इससे कानों में दर्द नहीं होता, यानी आप इसे लंबे समय तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर हेडफोन देर तक उपयोग करने पर कान दुखने लगते हैं, लेकिन एम्ब्रेन वेव के साथ ऐसा नहीं है। इसको आप लंबे समय तक आराम से यूज कर सकते हैं। तो आइए आप बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस और साउंड क्वालिटी की। एम्ब्रेन वेव में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट दिया गया है और इसे आप आराम से अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 10 मीटर की रेंज तक म्यूजिक का एक्सपीरियंस दे सकता है। आप इसे ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करके अपना लंबा सफर मजे में निकाल सकते हैं। ये डिवाइस डिजाइन के मामले में ही नहीं बल्कि ऑडियो के मामले में भी शानदार है। इसमें गूगल असिस्टेंट और सीरी सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से इसे वॉइस से कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में हमें समझने में इसे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में इसके साथ एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। साथ ही इसमें मैग्नेटिक फंक्शन सपोर्ट दिया गया है, लेकिन इस फीचर ने हमें निराश किया है, क्योंकि आमतौर पर मैग्नेटिक फंक्शन होने पर म्यूजिक बंद करने के लिए दोनों बट्स को मैग्नेट कर दिया जाता है, लेकिन इसमें बावजूद इसके म्यूजिक चलता रहा, जिसकी वजह से बैटरी यूज ज्यादा होती है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि ब्लूटूथ डिवाइस बंद होने के बाद भी उसमें फोन से कनेक्टेड म्यूजिक चल रहा है। ऐसे में आपको इस्तेमाल के बाद निक बैंड को बंद करने के साथ ही फोन के म्यूजिक को भी बंद करना होगा। कंपनी का कहना है कि एम्ब्रेन वेव सिंगल चार्ज में 9 से 10 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है, जो कि रिव्यू के दौरान इसने सही साबित किया। सो गाइस, फाइनली एम्ब्रेन वेव को बाजार में कई अन्य वायरलेस हेडफोन से टक्कर मिल सकती है, क्योंकि इस बजट में आपको और भी बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन इसमें दिया हुआ गूगल असिस्टेंट और सीरी सपोर्ट इसे अन्य डिवाइस से अलग करता है। इसमें आपको बेहतर बैटरी बैकअप के साथ ही शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको परचेज करने जाते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजाना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।